हमने जो पोएम चुनी है इसका टाइटल यानी अनुमान है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम हम इन स्टेप्स में पढ़ेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, देन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, देन रीडिंग बिटवीन लाइंस विद ट्रांसलेशन, एंड वी विल डिस्कस द टेक्निक साइड बाय साइड। एट द एंड ऑफ द पोएम वी विल डिस्कस द टेक्स्चुअल क्वेश्चन। ये पोएम ऑगडन नैश जो कि अमेरिकन पोइट थे उन्होंने लिखी है, और ये पोएम क्वाट्रेन की सूरत में लिखी गई है, और हर एक क्वाट्रेन की राइम स्कीम ए ए बी बी है। तो दोस्तों ये नज़्म एक मजाया नज़्म है। इस पोएम में पोइट यानी शायर उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो बहादुर और हौसला मंद होने का डोंग तो करते हैं लेकिन असल में वो बुजदिल होते हैं। उसके बरक्स वो लोग जो दिखने में सीधे साधे तो होते हैं और लोग जिन्हें तरह तरह के नामों से बुलाते हैं वो एक खास मौके पर अपनी अहमियत को साबित करते हैं। ये एक लंबी मगर दिलचस्प पोएम है। सो द फर्स्ट क्वाट्रेन गोज लाइक, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. इस क्वाट्रेन में पॉइंट कैरेक्टर्स को मुतारिफ कराता है। बेलिंडा नाम की एक औरत एक छोटे से सफेद घर में रहती है जिसके साथ उसके चार पालतू जानवर जिनमें एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा, पीले रंग का एक छोटा सा कुत्ता और एक छोटा सा ड्रैगन यानी परू वाला सांप होता है, और उसके घर में एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी भी होती है। Now the name of the little black kitten was Ink and the little gray mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard. इस कार्टून में कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं यानी बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, चूहे का नाम ब्लिंक, कुत्ते का नाम मस्टर्ड और ड्रैगन जिसको बुजदिल का खिताब मिला है उसका नाम कस्टर्ड है। और द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टॉप। कस्टर्ड के दांत लंबे और तेज हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स और नीचे स्केल्स हैं जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसका मुंह एक भट्टी के जैसा और नाक चिमनी यानी जहां से धुआं निकलता है और उसके नाखून जैसे। यहां पर ख्याल रहे कि इन लाइनों में टेक्निक जो इस्तेमाल की गई है वो है सिमिलनी ड्रैगन के मुंह का मुकाबला भट्टी और उसकी नाक को चिमनी से तशबीह दी गई है। One more technique that has been used here is refrain. ये जो आप लाइन देख रहे हैं and really you, truly you, ये जो बार-बार रिपीट हो रही है, इसको हम refrain कहते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased the lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. इस कार्टून में कैरेक्टर्स की पहचान कराई गई है, यानी बेलिंडा एक मोटे रीच के जैसी बदन वाली औरत और खुद को बहादुर समझती थी। एक और ब्लिंक डेंगे मारते फिरते थे कि इतने बहादुर हैं कि शेरों को भी भगा सकते थे। मस्टार्ड खुद को गुस्से से भरा हुआ टाइगर समझता था लेकिन कस्टर्ड कोई दावा किए बगैर सिर्फ एक उम्दा और महफूज पिंजरा चाहता था। Tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really, truly cowardly dragon. बेलिंडा कस्टर्ड को बेरहम तरीके से सताती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे चिढ़ाते थे कि वो परसिवल है। परसिवल किंग आर्थर और कैमलॉट प्ले यानी ड्रामे का एक किरदार था जो कि नाइट बनना चाहता था लेकिन उसमें वो खासियत नहीं थी कि वो नाइट बन पाता। ये तीनों उस लाल गाड़ी में बैठकर कस्टर्ड पर हंसते रहते और मजाक। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक साइड रैक व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। Ink and Mustard really asked his age when Custard cried for a nice safe catch. Belinda ki zor zor se hansne se pura ghar hil jata tha. Chuha bhi hansta tha. Ink aur Mustard chidane ke liye Custard se uski umar poochte the aur fir is baat par hanste the ki umar badhne ke bawajood uske bachchon ki jaisi aadatein nahi jati. ये सिर्फ पिंजरा चाहता था ताकि वो आराम से रह सके।
Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and all looked around. Meow cried Ink, and Ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. फिर अचानक उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी. Mustard ने भूखना शुरू किया. डर से वो एक दूसरे की ओर देखने लगे. एक ने म्याओ म्याओ करना शुरू किया. बेलिंडा भी चिल्लाई क्योंकि एक डाकू एक लुटेरा खिड़की से अंदर आ रहा. पर यहाँ पर विंडो के बजाय विंडा लिखा गया है, जो कि ऑगडेन नैश यानी पॉइट जो है इस पोइम के हैं. उनकी खासियत थी कि राइम बनाने के लिए वो जानबूझकर वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज करता था. So in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. ये डाकू बड़ा ही खौफनाक था. उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे, मुंह में तेज धार वाली छुरी थी, काले रंग की दाढ़ी, एक टांग लकड़ी की. उसके इरादे खतरनाक लगते थे. Linda paled and she cried help, help, and Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinks tragically mouse hold. Belinda खौफ से पीली पड़ गई. वो चिल्लाने लगी, मदद करो, मदद करो. Mustard जो खुद को बहादुर समझता था, टाइगर इन रेड समझता था, वो भी भाग गया. इंक मकान के निचले तह में छुप गया और ब्लिंक अपने बिल में छुप गया. Up jumped Custard snorting like an engine, clashed his tail like a runner in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling succomb, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन कस्टार्ड एक इंजन की तरह गुजराते हुए लुटेरे पर चपट पड़ा. पूंछ को इस तरह टपका रहा था गोया किसी कैदी के जंजीरों के खड़खड़ाने की आवाजें आ रही हो. वो अपनी दुम को इस तरह हिला रहा था कि इससे खटखटाने और झंझोड़ने की आवाजें आ रही थी. वो लुटेरे पर ऐसे झपटा गोया कोई परिंदा किसी कीड़े मकोड़े पर झपटा हो. फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. ये डाकू हैरत से मुंह फाड़ कर बेलिंडा के इस ड्रैगन की तरफ देखता रहा और कुछ न कर सका. जेब से शराब की बोतल निकालकर दो घूंट भर लिए, फिर अपने पिस्तौल से दो गोलियां चलाई जो कि ड्रैगन को नहीं लगी और ये ड्रैगन ने उसे दबोचा और ललचाते हुए उसे खा. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर फॉर द पायरेट विक्टिम. इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. ये देखकर बेलिंडा ने ड्रैगन को गले से लगाया. मस्टर्ड ने शाबाशी के तौर पर चाटना शुरू किया. किसी ने डाकू के मरने पर मातम नहीं किया. एक और ब्लिंक डाकू की लाश के इर्द गिर्द नाचने लगे. ये सब खुश थे क्योंकि कस्टर्ड ने डाकू से इनकी जान बचाई थी. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been three times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन आदत से मजबूर ये फिर से डींगे मारने लगे. मस्टर्ड ने कहा कि अगर वो उलझन में न पड़ता तो वो कस्टर्ड से दो गना ज्यादा बहादुरी दिखाता. इंक और ब्लिंक भी जुड़ गए. उन्होंने कहा अगर वो उलझन में ना पड़ते तो उनके ख्याल से वो तीन गना बहादुरी दिखाते. इस पर कस्टर्ड ने कहा कि वो उनसे मुत्तफिक है कि हर जानवर उससे ज्यादा बहादुर है. Linda still lives in her little white house with a little black kitten and her little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really you truly you little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of yours and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage but Custard keeps crying for a nice safe cat. Dear listeners, ये जो लास्ट के दो कार्टूनस हैं ये रिपीट किए गए हैं. थैंक यू लॉर्ड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू